शोहर का फोन आए तो औरत पर लाजिम है कि उस फोन को उठाए और बात सुने शोहर की। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, अगर कुरान पाक की तलावत करते हुए किसी बीवी को उसके शोहर की कॉल आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, इस बात को जानने के लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस बयान को पूरा सुनिएगा। बयान पर जाने से पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। मुफ्ती साहब, कुरान की तिलावत के दौरान अगर शोहर का फोन आ जाए तो आयत बीच में छोड़कर बात करना ठीक है? शोहर का फोन आए तो औरत पर लाजिम है कि उस फोन को उठाए और बात सुने शोहर की, क्योंकि औरत पर शोहर की इताअत लाजिम है। आयत बीच में ना छोड़ें, लंबी आयत है बहुत ही, तो फिर छोड़ दें बीच में, मुख्तसर आयत है तो कंप्लीट कर लें। कोई भागा थोड़ी जा रहे हैं मियाँ, या बीवी भी कोई भागी थोड़ी जा रही है जो मियाँ इतना से इंतजार नहीं कर लेगा। देख ले मेरे भाइयों, अगर शोहर का फोन आए तो औरत पर लाजिम है कि उसका फोन उठाए, लाजिम है उस पर, क्योंकि बीवी पर शोहर की इताअत लाजिम है। आयत बीच में ना छोड़े, अगर लंबी आयत है तो छोड़ दे, अगर छोटी आयत है तो कंप्लीट करके फोन उठा ले, क्योंकि शोहर भागा थोड़ी जा रहा है कहीं, या बीवी भाग रही है। तो इसलिए अगर आप कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं और शोहर का आपके कॉल आ गई है तो आपको चाहिए कि अगर आयत लंबी है तो आप छोड़ दें, अगर छोटी है तो कंप्लीट करके फिर उसका फोन उठा लें। ठीक है मेरे भाइयों, अगर बयान पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।